इंदौर में होने वाली शादी विवाह के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल लॉकडाउन के चलते फिलहाल होने वाली शादी में 12 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति थी, जिसमें वर और वधु दोनों पक्षों के लोग शामिल होते थे। लेकिन लगातार लोगों के बढ़ते दबाव के बाद जिला प्रशासन ने अनुमति को बढ़ाते हुए और वर वधु दोनों पक्षों से 50 लोगों के शादी में सम्मिलित होने की अनुमति देने की बात कही है। यही नहीं, इसके अलावा बैंड और पुजारियों सहित 8 से 9 लोग अतिरिक्त शामिल हो सकते हैं। बावजूद इसके इंदौर सांसद ने लोगों से अपील की है कि शादी ब्याह सार्वजनिक आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का पूर्ण सहयोग करें और कोरोना वायरस से परिवारों में शादी है उनकी लगातार ये मांग आ रही थी कि शादी में जो बराती है तो वर वधु पक्ष के दोनों को मिला के अभी तक 12 लोगों को परमिशन दी जा रही थी। उनकी डिमांड थी कि ज्यादा लोगों को दी जाए, तो अब हम 50 लोगों को वर वधु मिलाकर परमिशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ 4-5 बैंड वाले भी आ सकते हैं, पंडित पुजारी भी आ सकता है, घोड़ी वाला भी आ सकता है, अगर आवश्यकता हो तो नाई जो कटिंग करने वाला वो भी हो सकता है। तो इस प्रकार 50 के अलावा 8-9 लोग अगर और होते तो उनको भी इजाजत दी जाएगी ताकि वो शादी व्यवस्थित कर पाए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि चाहे शादी हो या कोई अवसर हो, हमें सोशल डिस्टेंस का हम सबको ध्यान रखना है।